दोस्तों Xiaomi का सबसे बड़ा दुश्मन Huawei है और वो किस तरीके से Xiaomi का मार्केट इंडिया में खत्म कर सकता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये भी पता नहीं हो कि Huawei इंडिया के मार्केट में पिछले 10 साल से ज्यादा समय से है, लेकिन कभी भी वो इतना पॉपुलर नहीं था। और जब 2014 में Xiaomi की एंट्री हुई थी इंडिया में, तो उसने अपने फोन्स में ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन दी, उन्हें फ्लैश सेल्स में बेचा, जिससे युवा की हाइप क्रिएट हो गई और धीरे धीरे Xiaomi इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। और Huawei भी बहुत पहले से ही इंडियन मार्केट में था, लेकिन कभी भी इतना ग्रो नहीं कर पाया। और उसके बाद Huawei ने अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी को चेंज किया, उसमें कई सारे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे काम किया और वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेकर, जैसे कि Huawei की P सीरीज ले लो जो मल्टीपल कैमरास के साथ आई थी, और Huawei का अब तो P20 Pro आता है जिसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी मिलता है। अब इससे ये हुआ कि Huawei जो है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर बन गया है। एप्पल और सैमसंग के बाद अब केवल Huawei का ही नंबर आता है, लेकिन इंडिया में नंबर वन अभी तक Huawei नहीं आ पाया है। और इस चीज की पूरी तैयारी में है किस तरीके से Huawei इंडिया का भी नंबर वन ब्रांड बन जाए, इसलिए Huawei ने Xiaomi से कम्पीट करने के लिए ऑनर ब्रांड को बनाया है, जो कि बजट फोन्स, मिड रेंज फोन्स और जो बजट फ्लैगशिप फोन्स होते हैं ना, वो फोन बनाए और डायरेक्टली Xiaomi से कम्पीट करे। जैसे Xiaomi के फोन्स बजट में आते हैं, तो उस तरीके से ऑनर ब्रांड है जिस तरीके से वो बजट में फोन्स निकालता है। जबकि एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, उसको टक्कर देने के लिए उसने Huawei को बनाया है। और जो ऑनर है वो कम्पीट करता है बजट से लेके बजट फ्लैगशिप्स तक। अगर आपको बजट फ्लैगशिप नहीं पता, तो ये वो फोन है जो सस्ते फ्लैगशिप्स होते हैं, जैसे कि OnePlus 6 और ASUS का Zenfone 5G, और इन्हीं से टक्कर लेने के लिए ऑनर ने पहले अपना ऑनर 10 को निकाला था, जो इनसे डायरेक्ट कम्पीट करता था। और ये जो 30,000 की जो प्राइस रेंज है ना, इसमें कभी Xiaomi कभी चला ही नहीं। एक्चुअली 20,000 से ऊपर कभी भी कोई भी Xiaomi का ऐसा फोन नहीं था जो ज्यादा बिकाओ। चाहे हम एग्जांपल ले ले MI5 का, या फिर एग्जांपल ले ले Xiaomi के Mi Mix 2 का, ये फोन कभी ज्यादा चले नहीं 20,000 के ऊपर। लेकिन 20,000 के अंडर की प्राइस में Xiaomi के फोन हमेशा ज्यादा पॉपुलर है। और जो ऑनर है वो थोड़ा बहुत ही चलता रहा है 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। अब इसका रीजन ये है कि वो थोड़ी ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर देता है। एग्जांपल के तौर पे ऑनर 10 जो 33,000 का आता है, उसके अंदर आपको 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। पर इसके बावजूद भी ऑनर के फोन इस प्राइस सेगमेंट में ज्यादा बिक नहीं पाए, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो स्पेसिफिकेशन देख के फोन खरीदते हैं, और जो महंगे ऑनर के फोन है उनके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं आता है, उसके अंदर वो अपने खुद के बनाए हुए ही Huawei के क्रिन प्रोसेसर का यूज करते हैं। और इंडिया में स्नैपड्रैगन का बोलबाला है जैसे कि हम जानते हैं, और किसी भी फोन में बस स्नैपड्रैगन आ जाए तो वो फोन काफी आसानी से बिक जाता है। इसलिए धीरे धीरे ऑनर इस प्राइस सेगमेंट में भी आ रही है, काफी अच्छे फोन को निकाल रही है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि किरण प्रोसेसर जो है ना वो अभी इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए कि वो डायरेक्टली स्नैपड्रैगन के साथ कम्पीट कर सके। लेकिन क्या पता स्नैपड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए किरण प्रोसेसर फ्यूचर में। और बात करें ऑनर के बजट में, तो Xiaomi से कम्पीट करने के लिए वो कई सारे मल्टीपल फोन को लॉन्च कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 से कम में वो अपने 3 फोन को लॉन्च कर चुकी है, जिसके अंदर आपको 18:9 वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और डुअल कैमरास देखने को मिलते हैं। और हाल ही में खबर ये भी आ रही है कि Xiaomi से पहले वो 20,000 के अंदर ही अपना नॉच वाला फोन को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि ऑनर किस तरीके से अपने फोन्स की प्राइसिंग को भी काफी एग्रेसिव रख रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ऑनर से थोड़े महंगे फोन्स बनाते हैं, ऑनर के बजट फोन्स भी आते हैं, जैसे ऑनर का 7A और 7C, जिनमें आपको स्नैपड्रैगन 430 और स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर मिलता था। लेकिन ऑनर के जो थोड़े से महंगे फोन्स हैं, जो मिड रेंज है, जो सबसे ज्यादा बिकते हैं इंडिया में, उसमें किरण का प्रोसेसर देखने को मिलता है। जैसे कि इसका सबसे फेमस एग्जांपल है किरण 659, जो डायरेक्टली स्नैपड्रैगन 636 से कंपीट करता है। तो किरण 659 आज की डेट में थोड़ा सा कम पावरफुल है, इसके शायद नेक्स्ट वर्जन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन काफी अच्छा कंपटीशन दे देता है ये प्रोसेसर दूसरे स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर्स को। और ऑनर का मेन रीजन ये कि वो अपने किरण प्रोसेसर इसलिए प्रमोट करते हैं कि वो अपने फोन पे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और जो सॉफ्टवेयर है उसे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके, और हां जल्दी अपडेट भी दे सके, इसलिए वो अपने खुद के प्रोसेसर का यूज करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से एप्पल अपने खुद के आईफोन के अंदर एप्पल का जो A सीरीज का प्रोसेसर होता है वो लगाता है, तो ऑनर भी अपने फोन में Huawei का ही बनाया हुआ किरण का प्रोसेसर लगाती है। और ऑनर की बात करें तो वो Xiaomi से पहले ही 11,000 रुपए में ऑनर 9 लाइट को ले आया था, जिसके अंदर डुअल कैमरा और 18:9 डिस्प्ले था। और Xiaomi अब जाके 10,000 के रुपए में Redmi Y2 लेकर आया, जिसके अंदर डुअल कैमरास मिलते हैं। और Xiaomi जो है वो MIUI के साथ आता है, और जो ऑनर है उसके पास Huawei का ही बनाया हुआ EMUI है। अब EMUI के होने का एक फायदा ये है कि उसके अंदर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन वो ज्यादा अपडेटेड है। इसका एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, जो ऑनर 9 लाइट लॉन्च हुआ था 11,000 रुपए में, वो एंड्रॉइड ओरियो पे चलता था, और जब Redmi Note 5 रिलीज हुआ था ना, वो एंड्रॉइड नोगट पे चलता था। और जबकि ऑनर 9 लाइट का प्राइस भी कम है, उसमें डुअल कैमरास भी है और वो एंड्रॉइड ओरियो पे चल रहा है। और Redmi Note 5 Pro में अब जाके एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट आया है, और Redmi Note 5 Pro जो है वो MIUI 10 और जो MIUI के अपडेट्स हैं वो तो लेता रहेगा, लेकिन क्या पता वो एंड्रॉइड P या जो एंड्रॉइड Q आएगा, क्या उसका अपडेट उसे मिलेगा, ऐसा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। और
यहाँ तक बात खत्म नहीं हो जाती, जो 2016 में ऑनर 6X रिलीज हुआ था उसको आज एंड्रॉइड ओरियो का भी अपडेट मिल चुका है। और हाँ, ये ऑनर 6X की बात कर रहा हूँ जो 2016 में रेडमी नोट 4 के साथ आया था, क्योंकि रेडमी नोट 4 आज भी एंड्रॉइड नोगट पे चल रहा है। उसमें MIUI के तो अपडेट मिलते रहे पर एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट इतने नहीं मिले। और ऑनर को अगर गेम में बने रहना है तो ऐसे ही अपडेट्स देते रहे तो मजा आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जो किरिन प्रोसेसर है ना, वो धीरे धीरे स्नैपड्रैगन के बराबर भी आ जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर से थोड़ा सा ही पीछे हैं। और मुझे लगता है कि ऑनर जो है वो आगे चल के भी अपने किरिन प्रोसेसर को ही कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि उनके साथ वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। और इतना ही नहीं, ऑनर के जो फोन है उनके अंदर आपको कभी कभी वो टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलती है जो आपको महंगे हुआवे के फोन में देखने को मिलती है। तो एक काफी अच्छी चीज है कि आपको बजट फोन के अंदर भी आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको फ्लैगशिप फोन में आते हैं। और ऑनर को अगर Xiaomi को हराना है तो उसके लिए ऑनर को ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देनी होगी, और जो प्राइसिंग है उसे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज की डेट में Xiaomi को केवल ऑनर से ही खतरा नहीं है, उसको ASUS से भी खतरा है। उससे अच्छी ज्यादा स्पेसिफिकेशन जो देगा और जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देगा, तो वो ही आगे निकल जाएगा। और Xiaomi को इंडिया के मार्केट में नंबर 1 बने रहना है तो उन्हें ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फोन निकालने होंगे। और जो Xiaomi के फोन के प्राइसेस जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे ना, उसे भी Xiaomi को कंट्रोल करना होगा, और फोन के प्राइसेस को आप उसे ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर Xiaomi अगर अपने स्मार्टफोन के प्राइसेस को ऐसे ही बढ़ाती रहेगी तो वो नंबर 1 पोजीशन से जल्दी ही बाहर हो जाएगी। बाकी ये आने वाला वक्त ही बताए कि ऑनर Xiaomi को कभी हरा पाती है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग किसकी तरफ हो, Xiaomi या ऑनर या फिर ASUS या फिर किसी दूसरी कंपनी की तरफ, ये बात आप नीचे कमेंट में लिखो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।